दोस्तों मेरा नाम है घनश्याम धीवर। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ, अगर आप भी Xiaomi कंपनी का यानी कि Redmi कंपनी या Poco कंपनी का कोई भी स्मार्टफोन यूज करते हैं तो इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आपके भी स्मार्टफोन में आपको कभी ना कभी जरूर देखने को मिली होगी। अगर आप इस नोटिफिकेशन से परेशान हो जाते हैं, ये बार बार यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है एंड्रॉयड सिस्टम साइन इन एरर सीजन एक्सपायर्ड, और आप इस नोटिफिकेशन को इस तरीके से रिमूव कर देते हैं तो थोड़ी देर के बाद फिर से ये नोटिफिकेशन वापस से आ जाती है। फिर से आप स्लाइड डाउन करते हैं तो फिर से ये नोटिफिकेशन आ जाती है। फिर से आप इस तरीके से स्वाइप करके इस नोटिफिकेशन को आप यहां से रिमूव कर देते हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद ये नोटिफिकेशन फिर से इस प्रकार से आ जाती है। बार बार इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन आ जाती है और आप इस नोटिफिकेशन से परेशान हो चुके हैं और इसे आप परमानेंटली हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटी सी ट्रिक आपको अपने स्मार्टफोन में अपनानी है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। जिसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन के सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है तो यहाँ पे आपके मोबाइल में यहाँ पे MI अकाउंट लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगी या Xiaomi अकाउंट इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसी पे क्लिक करना है MI अकाउंट वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 100% आपके भी स्मार्टफोन के डिस्प्ले में इस तरीके का एक पॉपअप ओपन होकर आ जाएगी जहां पे पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, देन कैंसल और ओके का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने MI अकाउंट का जो भी पासवर्ड है उस पासवर्ड को आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद एक बार आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको आपके Xiaomi अकाउंट का पासवर्ड नहीं पता है तो आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। किस प्रकार से एक नया पासवर्ड बना सकते हैं इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया जिसका लिंक आपको हो सके तो मैं कमेंट बॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए यहां पे फटाफट मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूं। पासवर्ड मैंने इंटर कर दिया दोस्तों, बस आपको यहां पे अब ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही दोस्तों यहां पे प्रोसेसिंग होगा और आपका ये जो प्रॉब्लम है अब 100% यहां पे सॉल्व हो चुकी है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है, यहां पे आपको बैक आ जाना है, सारी चीजें को यहां से रिमूव कर देना है और ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसे आप रिमूव कर दीजिए और आपका 110% ये प्रॉब्लम अब आपका फिक्स हो चुका है, क्लियर हो चुका है। दोबारा से आपको इस प्रकार का कोई भी पॉपअप नोटिफिकेशन आपको अब आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले में बार बार नोटिफिकेशन पैनल में देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को अपनी ठीक कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे कार नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।